खबर है एटा से। उत्तर प्रदेश के एटा जिले में प्रेम प्रसंग से नाराज पिता और भाई ने युवती की गोली मारकर हत्या कर दी। इतना ही नहीं, शव को खेत में चोरी छिपे अंतिम संस्कार करने के दौरान सूचना पर पुलिस को देखकर फरार हो गए। पुलिस ने चिता से अधजला शव उठाकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। रविवार को पोस्टमार्टम हुआ। पुलिस का कहना है कि युवती के पेट पर दो जगह गोली लगी है। पिता और भाई के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कर तलाश जारी है। एटा जिले के अलीगंज क्षेत्र के सीओ सुधांशु शेखर के मुताबिक घटना एटा जिले के नयागांव थाना क्षेत्र की है। सीओ का कहना है कि पुलिस ने जलती चिता से लड़की का शव उठाया है। शव का काफी हिस्सा जल चुका था। जांच में गनशॉट दिखा है। पुलिस ने अपनी तरफ से पिता और भाई पर हत्या का केस दर्ज किया है। पूरा परिवार फरार है। पुलिस को लड़की के घर की जाँच में कई जगह खून के निशान मिले हैं। फॉरेंसिक टीम ने जांच में करके सबूत जुटाए हैं। आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा। बताया जा रहा है कि लड़की का नाम सपना है, जिसकी उम्र 20 वर्ष है। पुलिस को जांच में गांव की जानकारी मिली कि युवती का एक लड़के से प्रेम प्रसंग चल रहा था। इसका पता युवती के परिजनों को लग गया। वह विरोध करते थे। लड़की पर लड़के से मिलने पर पाबंदी लगा दी थी। शनिवार की दोपहर को लड़की के घर में इसी बात को लेकर झगड़ा हुआ था। शाम को लड़की के घर से गोली चलने की आवाज लोगों ने सुनी। बाद में पिता और भाई खून से लथपथ लड़की को अस्पताल ले गए। डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इंडिया 24x7 लाइव टीवी के लिए एटा से राघवेंद्र यादव की रिपोर्ट। कल सायं थाना नयागांव पुलिस को सूचना मिली कि एक युवती जिसको गोली लगी है ग्राम गाही की, उसको सीएससी अलीगंज लाया गया है। और इस सूचना पे पुलिस तत्काल अलीगंज सीएससी पहुंची तो पता चला परिजन उसको लेकर वापस घर चले गए हैं। और पुनः गांव में वापस पुलिस के पहुंचने तक उनके द्वारा अंतिम संस्कार उसका कर दिया गया। मौके पर पुलिस द्वारा बचे हुए अवशेषों को रिकवर किया गया है, पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है तथा परिजन अपना घर छोड़कर भागे हुए हैं, उनकी पुलिस द्वारा तलाश की जा रही है। प्रकरण में पुलिस द्वारा स्वयं संज्ञान लेते हुए अभियोग पंजीकृत कराया गया धारा 302-201 के तहत, और इसमें घटना के कारणों की गहराई से छानबीन की जा रही है। मौके पर फील्ड यूनिट द्वारा भी विजिट किया गया है तथा घटना की पूर्ण गहनता और सजगता से विवेचनात्मक कार्रवाई प्रचलित है।